सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एंड आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं अपना ड्रोन जो कि है DJI Mavic Mini। इस वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस ड्रोन से रिलेटेड, इसके सारे फीचर एक्सप्लोर करेंगे, इसलिए मैं अभी आ गया हूँ अपने घर की छत के ऊपर एंड चलो आपको दिखाता हूँ इसके सारे फीचर्स। सो ये रहा ड्रोन। बेस्ट पार्ट जो इस ड्रोन की मेरे को लगी, ये 250 ग्राम्स का है सिर्फ, उसके अंडर ही आता है 249 ग्राम्स एक्चुअली। सो इसका जो आप साइज़ देख सकते हैं कितना पॉकेट साइज़ है, मेरे इवन हाथ से भी छोटा है इस टाइम देख सकते हो। सो ईज़िली कहीं भी फिट कर सकते हो इसको, इवन पॉकेट में भी आ जाएगा तुम्हारी, बहुत बहुत छोटा साइज़ है। एंड ये है इसका कंट्रोलर। एंड बाय द वे ड्रोन्स का नया लॉ आ गया इंडिया में, उससे रिलेटेड भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, क्या अपना ड्रोन जिन्होंने रजिस्टर करवाया है या नहीं करवाया है तो उसका क्या सिस्टम रहने वाला है। कमिंग बैक टू DJI Mavic Mini, ये ड्रोन मेरे को मिला था 28,000 के अराउंड दुबई से। इंडिया में अभी इसका एग्जैक्ट प्राइस रिवील हुआ नहीं है, मेरे को नहीं पता अभी कितने का मिल रहा है या आ भी रहा है नहीं आ रहा है, बिकॉज नए रूल्स के अकॉर्डिंग अब रजिस्ट्रेशन करवाना ड्रोन्स का कंपलसरी हो चुका है। सो वापस चलते हैं इसी पे एंड इसको स्टार्ट करते हैं। सो कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये ड्रोन खुलने के बाद। एंड यहाँ पे एक होता है गिम्बल कवर, वो निकाल लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना नहीं तो आपका गिम्बल मूव नहीं करेगा। इसको चेक कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूँ। एंड ये इसके स्टिक्स फॉर द सिग्नल जो उसका एंटीना होता है, एंड जॉयस्टिक इसके अंदर ही आती है। जो एक बात जो मेरे को पसंद नहीं आई इसकी वो ये है, जो इसका फ़ोन रखने वाला जो स्लॉट है ये बड़े मोबाइल के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जिस साइज़ के फ़ोन आजकल हम यूज़ कर रहे हैं 6 इंच प्लस, वो उसके अंदर बड़ी मुश्किल से फिट होते हैं, फिट तो हो जाएंगे बट जो इसका USB केबल वाला स्लॉट है वो उसके साथ ही फ्लाई होता है ऐप के साथ, वो मैं दिखाता हूँ अभी कौन सी ऐप है एंड कौन सी केबल की बात मैं कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द केबल जो जाती है इसी कंट्रोलर के अंदर, एंड देख सकते हो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है एंड मोबाइल की लेंथ बहुत लंबी है। सो टेक्निकली इसको जब फिट करने की कोशिश करते हैं ये पूरा फिट नहीं आता क्योंकि ये इसके अंदर यहाँ पर फंस जाता है। एंड एक और बात जो इसके अंदर थोड़ी ड्रॉबैक है ड्रोन का, इसके अंदर ऑब्स्टेकल सेंसर नहीं है। कहने का मतलब हिंदी में समझाया जाए तो कोई भी अगर दीवार आती है या कोई भी ड्रोन की आगे चीज़ आती है इसके अंदर ये अटक सकता है या टकरा सकता है, ये अपने आप सेंसर नहीं है इसके अंदर के पकड़ लेगा, बाकी ड्रोन में होता है वो रुक जाते हैं। सो इसके लिए तुम्हें और थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। सो इन केस अगर तुम ये दीवार के पास हो या तुम सोच रहे हो कि अपने आप रुक जाएगा तो ये नहीं रुकेगा, इसमें क्रैश हो जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस ड्रोन का। बट उसके अलावा जो फ़ायदे हैं वो कुछ ज़्यादा ही हैं देखते हुए रूल्स एंड रेगुलेशन। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो उसको स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द पावर बटन, इसको एक बार स्मॉल प्रेस एंड एक बार लॉन्ग प्रेस करना है, आपको एक साउंड सुनाई देगी दिस वन। एंड ये हो चुका है स्टार्ट, गिम्बल घूमता है एंड चेक करता है कि वो अटक तो नहीं रहा है, ग्रीन लाइट इज़ ऑन। सो एंड एक और बात, जब भी आप ड्रोन फ्लाई करते हो ट्राई करना जो उसका फेस है तुम्हारे ऑपोजिट फेस कर रहा हो ना कि तुम्हारी तरफ, उससे आपको उड़ाने में थोड़ा इजी होगा। मैं दिखाऊंगा कि कंट्रोल करने में थोड़ा आसान पड़ेगा कि आगे पीछे लेफ्ट राइट कैसे उड़ाना है। सो हमेशा ड्रोन का जो फेस है कैमरा वाला गिम्बल साइड वो अपने से सामने रखना, अपनी तरफ कभी भी मत रखना। सेम प्रोसेस रहेगा कंट्रोलर का भी, स्मॉल प्रेस एंड देन लॉन्ग प्रेस। सो
point has been updated. Please check it on the map. So finally हमारा ड्रोन उड़ चुका है as you can see मेरे सामने इस वक्त इसके साइज पे मत जाना ये बहुत ज़्यादा फास्ट है एंड स्पोर्ट्स मोड में तो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है इसका शॉट एंड सो अभी फिलहाल है ये पोजीशन मोड में एंड इसके अंदर तीन मोड हैं स्पोर्ट्स मोड पोजीशन मोड एंड एक है सिनेमैटिक मोड सो अगर आपको स्लो शॉट्स लेने हैं तो सिनेमैटिक शॉट्स में आएंगे तो चलो चलते हैं सीधा ड्रोन कैमरा पे एंड मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाकी सारे इसके फीचर्स इस तरीके से थे हमारे मैविक मिनी के फीचर्स एंड अब करवाते हैं इसको लैंड लैंड करवाने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना बस आपको एक ये बटन दिख रहा होगा फोकस हो जा आपको बस ये बटन प्रेस करना है एंड अपने आप लैंड हो जाएगा तो फ्लाइट वॉज सक्सेसफुल एंड आई होप सारे फीचर्स अच्छे से हमने कवर कर दिए इसके अंदर मैविक मिनी के एंड क्या क्या कर सकता है इसका जो फ्लाइट टाइम है वो है अराउंड 30 मिनट्स सो 25 मिनट तो आप लगा के चलो उड़ेगा ही 20-25 मिनट तो आपके निकाल देगा बढ़िया एंड सो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म इफ़ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन